आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झींगा मछली बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये मछली और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, पर इसे साफ करने में बहुत समय लग जाता है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि इस मछली को आप मिनटों में साफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि इसे साफ करने का मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस झींगा मछली को पहले चुन कर साफ कर लेना है। तो जो भी इसके अंदर बेकार की चीज़ें होंगी ना, उसे हमें चुन कर हटा लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे झींगा मछली को अच्छे से चुन लिया है और अब इसे हम एक बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। पानी से इसे एक बार धोना ज़रूरी है, तो आप इसे एक बार पानी से ज़रूर धोए, उसके बाद मैं आपको इसे साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने मछली को अच्छे से एक बार धो लिया है और अब इस झींगा मछली के मुंह के पास जो लंबे लंबे कांटे आपको दिख रहे हैं, उसे ही हमें तोड़कर हटाना है। तो झींगा मछली को साफ करने का एक तरीका ये है कि आप एक एक झींगा को पकड़कर इसके मुंह के पास जो आपको लंबे ये कांटे दिख रहे हैं, उसे तोड़कर हटा दें। तो इस तरीके से भी साफ किया जाता है, तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी साफ कर सकते हैं, पर इस तरीके से साफ करने में क्या होता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और मैं जो तरीका बताने वाली हूँ उसमें समय थोड़ा कम लगता है। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इसे साफ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे ऐसे तोड़कर साफ कर ले, या फिर जो मैं तरीका बताने वाली हूँ आप वैसे साफ करें। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जैसे कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें हम सारे झींगे को डाल देंगे। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में झींगा बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालें झींगा और उसे अच्छे से चम्मच से चलाते हुए भुने। हमें इसे हाई फ्लेम पर भुनना है, तब तक भुनना है जब तक कि जो झींगा है वो अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए और इसके मुँह पर जो लंबे लंबे कांटे दिख रहे थे आपको, वो टूट ना जाए। तो ज़्यादा देर नहीं भुनना है, बस 3 से 4 मिनट आपको इसे भुनना है। 3-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि झींगा के ऊपर जो कांटे आपको देख रहे थे वो सारे के सारे कांटे टूट चुके हैं, बस किसी किसी झींगे पे बच जाएंगे जिसे ही हमें तोड़ना रहता है। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुका है इसे भुनते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झींगा के ऊपर जो कांटा दिख रहा था ना आपको बड़ा बड़ा, उस सारा कांटा टूट चुका है, बस छोटे छोटे कांटे बच गए हैं किसी किसी झींगे पे, तो उसे ही हमें साफ़ करना है। आधा झींगा आपका कढ़ाई में ही साफ हो गया है अच्छी तरीके से। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे 4-5 मिनट के बाद और उसके बाद इसे हम प्लेट से अच्छे से चुन लेंगे। तो यहाँ पे बहुत से झींगा है जो कि अच्छे से साफ हो गया है और कुछ झींगा है जिसके ऊपर इस तरीके से छोटा छोटा कांटा बच चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना कि तोड़ कर हटा लेंगे। ये आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे साफ़ कर ले। और बहुत सारा झींगा है थाली के अंदर जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है उसका कांटा, तो बस उसे हम चुन कर निकाल देंगे इसके अंदर से। इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस आपको इसे चुन लेना है। चुन कर हम सारे झींगे को निकाल लेंगे जिसका कांटा टूट चुका है और किसी किसी झींगे के मुँह के पास हल्का कांटा रह गया है छोटा छोटा, उसे ही हमें तोड़कर साफ़ करना है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। एक बार इस तरीके से भी आप अपने घर में साफ़ करके ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से हमारे गांव में इस झींगा मछली को साफ़ किया जाता है, इसलिए मैंने भी ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे हमने सारे झींगे को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इसे धोएंगे पानी से। तो सबसे पहले हम इसे एक बार आटा वाला पानी से धोएंगे, उसके बाद इसे हम नॉर्मल पानी से धोएंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे ज़रा सा आटा। आटे को अच्छे से पानी में मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें झींगा डाल देंगे। झींगा डालकर हम पानी में इसे आटा वाला पानी में अच्छे से धोएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो झींगा है वो आपका अच्छे से साफ हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार आटा वाला पानी से धो लिया है और अब इसे हम सादा पानी से धोएंगे। इसे हम तब तक धोएंगे जब तक कि जो झींगा है आपका वो अच्छे से साफ ना हो जाए और पानी आपका क्लीन ना दिखने लगे। तो इसे हमें लगभग 3 से 4 बार या 5 बार हमें पानी से इसे धोना है।
यहाँ पे हमने झींगा मछली को अच्छे से धो लिया है और ये जो झींगा मछली है अच्छे से साफ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मछली बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है। तो अब चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कली है, यहाँ पे 6 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें, 1 चम्मच धनिया ले लेंगे, 2 चम्मच सरसों के दाने, जरा सा काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। तो आप चाहे तो मसाले पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास खड़े मसाले थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पीसकर इस्तेमाल किया जाए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने इसे एक मिक्सर जार में डाला है, ज़रा सा पानी डालेंगे, ढक्कन बंद करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो मसालों को सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया है और अब क्या करेंगे कि झींगा मछली के ऊपर नमक डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार आप इसके ऊपर नमक डाल दें और तैयार किया हुआ मसाला डाल दें इसके ऊपर, अच्छे से सबको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये रेडी है और अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें तेल डालें, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल के गर्म होते ही इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे और दानों का कलर चेंज होते ही इस तेल को हम अच्छे से कढ़ाई में फैला देंगे और अब इसमें हम झींगा मछली डाल देंगे। तो सारे झींगा मछली को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे डालने के बाद अब हम अच्छे से तेल में मिला देंगे इसे। इसे मिलाने के बाद अच्छे से हम कढ़ाई में इसे पतली लेयर बनाते हुए फैला देंगे और उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो मसाले आपको दिख रहे हैं उनका कलर चेंज ना हो जाए और झींगा के नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर ना दिखने लगे। तो आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब 10 से 12 मिनट हो जाएगा इसे पकते हुए तब आप देखेंगे कि झींगा का ऊपर का कलर जो है वो ब्राउन दिखने लगा है और नीचे से भी ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये चल जाएगा नीचे से। तो बस यहाँ पे हमारा झींगा जो है वो पक चुका है। 10 से 12 मिनट के बाद ही ये जो झींगा है वो आपका पक जाएगा, तब हम इसे फ्लेम से हटा लेंगे और उसके बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पर अगर आप ज़्यादा मात्रा में झींगा बना रहे हैं तो पकने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि झींगा के अंदर से फिर पानी रिलीज होगा और उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही झींगा बनाया है जिससे कि ये आसानी से और बहुत ही जल्दी सूख गया है इसके अंदर से पानी और ये एकदम क्रिस्प हो गया है। तो इस तरीके से आप एकदम लाजवाब, बहुत ही टेस्टी और एकदम चटाखेदार झींगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये झींगा बहुत ही टेस्टी बना है, तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।